हेलो दोस्तों, आपका स्वाचिंता चैनल में आज मैं आपको आटे गुड़ का बहुत ही डिलीशियस हेल्दी मीठा नाश्ता बनाएंगी, जो ठंड के मौसम में बहुत ही फायदेमंद और टेस्टी है। अगर आपने इस तरीके से इस मीठे पराठे को बना लिया, यकीन मानिए आप बार बार बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए आटे को हमने पहले से गूंथ कर रख दिया था। आटा अच्छे से सेट हो जाए, 1 कप भर के हमने गेहूँ का आटा ले लिया था। छान के आटे को हमने नॉर्मल पानी से गूंथ लिया, एकदम सॉफ्ट गूंथा है। फिर आटे को हमने ढक दिया था पूरे 15 मिनट के लिए। आटा अच्छे से सेट हो जाए, फूल जाए, तो आप ये आटे को गूंथ कर आटे को 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। और आटे को एकदम सॉफ्ट गूंथना है। अब एक बाउल में हम 3 चम्मच लगभग गुड़ का बूरा ले लेते हैं। गुड़ का बूरा आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास गुड़ का बूरा नहीं है तो आप इसकी जगह गुड़ को कद्दूकस करके ले सकते हैं। बस गुड़ को तभी कद्दूकस करिएगा जब आपको पराठे बनाने हो। तो गुड़ के बूरे में हमने 1/2 चम्मच लगभग इलायची पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच खसखस है। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप यहाँ पे सफ़ेद तिल भूनकर 1 चम्मच डाल सकते हैं। और 1 ही चम्मच भर के हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल दिया है। मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मिल्क पाउडर है डाल दीजिए, नहीं तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हमने गुड़ के बूरे के साथ मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम बड़े साइज के यहाँ पे हमने बॉल्स बना लिया है। तो बॉल्स को हम यहाँ पे कटोरी का शेप दे देंगे, बाउल का शेप दे देंगे। तो अंगूठे को बीच में रखते हुए उंगलियों को हम चारों तरफ से घुमाते हुए यहाँ पे हम कटोरी का शेप दे देते हैं। अब आपको 1.5 से 2 चम्मच गुड़ का बूरा डाल देना, ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आप गुड़ डालें तो गुड़ को आप 1 ही चम्मच डालिएगा, अगर बूरा डालें तो आप 1.5 से 2 चम्मच डाल दीजिएगा। बूरा डालने के बाद अच्छी तरीके से आटे से आपको कवर कर देना है। तो आटा थोड़ा सा ज़्यादा तो एक्स्ट्रा था, तो ऊपर से आप इस तरीके से अंगूठे से दबाते हुए इसे हम कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे पराठे बनाकर तैयार कर लेना है। अच्छी तरीके से इसे बंद कर दीजिए, चिकना कर लीजिए, नहीं पराठे आपके फट सकते हैं। सूखा आटा डाल दिया है। अब एकदम हल्के हाथ से बेलन चलाते हुए पराठे को हम बेल लेंगे। तो पराठे को यहाँ पे हमने मीडियम साइज में रखा है, न ज़्यादा बड़ा रखा है न ज़्यादा छोटा रखा है। आप चाहे तो इसे बड़ा भी बेल सकते हैं। तो तवा को हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, पराठे नीचे से सिक गए तो पराठे को हमने पलट दिया है। अब आपको तेल या घी लगा देना जो आपको सही लगे। यहाँ हम तेल लगा रहे हैं, कुकिंग ऑयल है। तो चारों तरफ से आपको पराठे में तेल को लगा देना, हल्का सा प्रेस भी कर देना है कि किनारे का भी हिस्सा अच्छे से सिक जाए, कच्ची बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो गैस को हमने मीडियम कर दिया है क्योंकि तवा हमारी गर्म है, पराठे जल सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम यहाँ पे तेल लगा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पराठे हमारे कैसे फूल रहे हैं और कच्चे बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि किनारे का हिस्सा हम हल्का से इस तरीके से दबा रहे हैं। तो यहाँ पर नहीं, दोनों तरफ से पराठे को बहुत अच्छा से सेक, आपको पराठे को सेक लेना है। किनारे के भी हिस्से को इस तरीके से तवे पे घुमा रहे हैं कि किनारे का भी हिस्सा अच्छे से सेक जाए। पर आप पराठे को ज़्यादा पतला रखेंगे तो पराठे सेकेंगे तो गुड़ जो है पसीज कर बाहर आने लगेगी, इसलिए पराठे को थोड़ा सा आपको मोटा ही रखना है। तो दूसरा पराठा भी हम सेम उसी प्रोसेस सेक लेंगे। बस गुड़ के पराठे को बनाते समय कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आप पराठे को थोड़ा सा मोटा ही रखिए, क्योंकि जब पराठा पतला बेलेंगे तो गुड़ जो है पसीज कर बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएगी, इसलिए पराठे को थोड़ा सा मोटा ही रखें। दे सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी गुड़ का पराठा बन के तैयार है। तो आप भी इस तरीके से गुड़ का पराठा ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करिए, यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी है। आपको इस तरीके से गुड़ का पराठा बनाने का तरीका आपको पसंद आया है, अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।